परमाणु की एक शाखा माने जाते हैं, तथापि चाप गुर्जर थे इसलिए परमार भी गुर्जर हुए। नेक्स्ट पॉइंट है, गुर्जर ओसवाल परमार वंशीय माने जाते हैं। गुर्जर ओसवाल परमार वंशीय माने जाते हैं इसलिए परमारों को गुर्जर मानना चाहिए। तथापि उपर्युक्त मतों को स्वीकार करने में अनेक कठिनाइयां हैं। प्रथमतः अग्निकुल से उत्पत्ति का सिद्धांत पृथ्वीराज रासों के वर्णन पर आधारित है, जिसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। द्वितीय, भंडारकर ने कोई भी ऐसा तर्क प्रस्तुत नहीं किया जिससे परमारों को गुर्जर माना जा सके। और तृतीय, नवसारी अभिलेख से यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि गुर्जर चाप से भिन्न थे। और चौथा पॉइंट है, गुर्जर शब्द केवल जाति के अर्थ में नहीं अपितु स्थान के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। उदाहरणार्थ, उद्योतन सूर्य ने अपनी कुबले माला में गुर्जर देश के सभी निवासियों को गुर्जर कहा है। किस तरह उपर्युक्त विवरण से विदित होता है कि अन्य अग्निकुलीय राजवंशों की भांति परमार ना तो विदेशी गुजरों अथवा खजरों से संबद्ध थे और ना ही अग्निवंशी थे। वशिष्ठ की यज्ञाग्नि वेदिका से जोड़ा जाना केवल उनके परमार नाम की प्राचीनता को प्रमाणित करना मात्र प्रतीत होता है। तथापि उनके मूल को सबसे अधिक उद्घाटित करने वाला साक्ष्य हलायुध की पिंगल सूत्र वृत्ति है, जिसका लेखक अपने आश्रयदाता को ब्रह्मक्षत्र कुलीन कहता है। क्षत्र के प्रतीक विश्वामित्र से लड़ने के लिए ब्रह्म के प्रतीक वशिष्ठ की परमार रूपी जो शक्ति तैयार हुई वही ब्रह्म छत्र थी, जो आगे चलकर राजत्व ग्रहण कर क्षत्रिय बन गई। परमार अपने
गोत्रोच्चार से स्वयं को वशिष्ठ गोत्री मानते हैं, जो वशिष्ठ से उनके मूल संबंध का द्योतक है। अतः परमारों को मूलतः वशिष्ठ गौत्रीय ब्राह्मण और वाद का वशिष्ठ गौत्रीय क्षत्रिय स्वीकार करना चाहिए। ये आपका परमारों की उत्पत्ति के संदर्भ में विविध विद्वानों के मत रहे हैं, जिन्होंने अपने अपने तर्कों से उत्पत्ति के संदर्भ में अपनी अभिव्यक्ति की है। ठीक है,